सभी को नमस्कार। ये कुछ अमर चित्रकथाएँ हैं जो मैंने अपने स्कूल के बच्चों के लिए चूज़ करी हैं, स्कूल लाइब्रेरी के लिए चूज़ की मैंने। तो मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स मैंने चूज़ करी हैं, और आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में शेयर करना कि मैंने बेटर बुक्स चूज़ की कि नहीं की। तो पार्सल को मैं ओपन कर चुका हूँ और ये बुक्स हमारे सामने हैं। सबसे पहली बुक है दशावतार। इंग्लिश में है ये, और इसमें ये अमर चित्रकथा की तरफ से है। द 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु, इस पर प्राइस मैंशन है 249। शायद इसका प्राइस अमेजोन पर किसी मैंने बढ़ा हुआ भी देखा था। तो ये इसमें क्लासिक आर्ट है, प्रताप मलिक जी का आर्ट है, जिनके कवर भी हम काफ़ी पसंद करते हैं। अमर चित्रकथा में रामायणा, वाल्मीकि रामायणा प्रताप मलिक जी ने बनाई थी, जो सिंगल शॉट स्पेशल इशू था। स्पेशल इशू में 96 या 90 पेजेस होते हैं, 87 मतलब 90 करीब पेजेस में है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल अमर चित्रकथा के जो इश्यूज़ आते हैं उसमें 32 पेजेस होते हैं। लेकिन हाँ, ये मेरे पास थी, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। इसके मैंने कुछ वर्जन देखे, मैंने 10 या 12 रुपए की थी मेरे पास में, ये बहुत टुकड़ों टुकड़ों में से हो गई थी। तब मुझे इनकी रेयर और वैल्यू नहीं पता थी, तो मैंने वो किसी बच्चे को दे दी थी, उसको भी पसंद नहीं आई थी क्योंकि थोड़ी पुरानी बुक थी। फिर इसका 100 रुपये का रिप्रिंट देखा था मैंने, अब भी शायद ये इसके हिसाब से देखे तो 250 की होगी, या और भी नया स्टॉक होगा तो 300 की होगी। प्रताप मलिक जी का आर्ट वर्क बहुत ही क्लासी, और प्रताप मलिक जी को हम जानते हैं, राज कॉमिक्स में भी काम किया था उन्होंने। बट इसमें जो सारे के सारे भगवान विष्णु के 10 अवतार थे उनके बारे में बात करेगी। ये बहुत ही अच्छा आर्ट वगैरह है, अच्छे से स्टोरीज को कंपाइल किया गया है इसमें। सेकंड आती है महादेव, ये एक नई बुक है जो ईयर 2021 में शायद रिलीज हुई थी, और इसको एक अवार्ड विनर बुक है ये। सारी सारी हमारी जो इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। 499 इसका प्राइस है, और इसका जो कवर है वो ग्लिटरी अपीरेंस वाला है, जैसा एक बार राज कॉमिक्स का जो था ना, वो जो बालचरी सीरीज आई थी उसमें ऐसे शाइनी कवर्स थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। शाइनी एक स्पेशल अपीरेंस दे रहा है, और पेजेस इसके मैपली तो हैं बट कलर्स इसके स्पेशल इफेक्ट वाले हैं। इतनी सारी इसमें देखिए स्टोरीज हैं, 6 पार्ट हैं इसके, और आर्टिस्ट अलग अलग होंगे। आई थिंक ये यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम दिया हुआ, मैं इनको जानता कम हूँ, लेकिन आर्ट बहुत अच्छा है, और एक वेल मतलब बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है। पर ये जो स्पेशल इफेक्ट वाले होते हैं ना, इसमें अगर ग्लोसी पेजेस दे देते, जैसा कि ये पेज दिख रहा है, तो वो आर्ट बहुत निखर के आता। पता नहीं अमर चित्र हमें ग्लोसी पेजेस क्यों नहीं देते हैं। इवन रामायण का भी जो 6 वॉल्यूम का जो इंग्लिश वर्जन था उसमें भी ग्लोसी पेजेस मेरे पास नहीं थे। हालांकि लोग बोलते हैं कि एक बार जब वो रिलीज़ हुआ था तब उसमें ग्लोसी पेजेस थे, और उसके अलावा जो अभी हिंदी वर्जन आया 3000 का रामायण का, वो भी मैं मंगाने की कोशिश करूँगा अपने बच्चों के लिए, ट्राई करूँगा कि मिल जाए वो। बट पता नहीं क्यों नहीं ग्लोसी देते हैं, स्पेशल इफेक्ट में ग्लोसी देना ही चाहिए इनको जो प्राइस लेते हैं। बट फिर भी आर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है इसका। महादेव, महादेव का नेक्स्ट आता है रामाज रिंग। रामाज रिंग जो है ये 199 का है, ये ग्लोसी में है। देखिए ऐसा चाह रहा था मैं, इसमें आर्ट बहुत अच्छे से नज़र आता है। तो सबसे बढ़िया तो हमारी जो एक कल्चर है, हिस्ट्री है, स्टोरीज हैं, वो बच्चों को सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। इतना अच्छा आर्ट देखने को मिलता है, आर्ट की समझ बढ़ती है, और प्लस जो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की भी लर्निंग होती है बच्चों के लिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो सेंट्रल स्कूल्स हैं या केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें इंग्लिश मीडियम में ही सारी पढ़ाई होती है, या जो एग्ज़ाम्स लिखने पड़ते हैं या नोटबुक का काम करना पड़ता है वो इंग्लिश में होता है, हिंदी के सब्जेक्ट को छोड़ करके। तो इंग्लिश में अगर थोड़ी अगर कुछ लैंग्वेज में वोकैबुलरी कमांड बढ़ती है तो वो अच्छा है बच्चों के लिए। नेक्स्ट सप्तर्षि, द सुप्रीम सेजेस। इसमें भी 7 ऋषि जो है हमारे, ये भी फुल ग्लोसी में, ऐसा मैं चाह रहा था, मतलब नॉट कम्प्लीट ग्लोसी बट मैट फिनिश का है, और काफ़ी अच्छा निखर के आर्ट आता है। महादेव में भी ऐसा होना ही चाहिए था, पुराने ज़माने की आर्ट भी चलती है ग्लोसी में, मतलब ग्लोसी में चलती है, बट अगर पुराने में नहीं दो तो भी मैं चलो मान लूँ, पर ऐसी जब आर्ट हो, ऐसा कलर हो, कितना अच्छा निखर के आता है। और इसमें कवर्स वगैरह पर इसका आर्ट ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, देखिए काफ़ी बेहतरीन आपको इसमें आर्ट नज़र आएगा। क्रेडिट्स कहीं दिए हैं क्या, आर्ट के क्रेडिट दिए, ये अच्छी बात है कि ये इसके अंदर है कुछ। राम वाईकर जी को मैं जानता हूँ, दिलीप कदम जी को जानता हूँ, देखिए लास्ट के दिलीप कदम जी वाले हैं तो वो तो ज़बरदस्त होंगे। दिलीप कदम जी जिन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण का चित्रांकन किया है, या महाभारत में भी जो कदम स्टूडियो का आता है, तो बहुत बहुत अच्छी है ये जो सप्तऋषि और रामाज रिंग फुल ग्लोस में, बहुत अच्छा है। इसकी प्राइस 399 है, जो कि बहुत फेयर प्राइस होता है। इसमें जो कंटेंट दिया है, जो पेजेस वगैरह दिए 168 पेजेस, उस हिसाब से बहुत फेयर प्राइसिंग है इसकी। नेक्स्ट है परमवीर चक्र।
अगेन इसमें कवर काफ़ी स्पेशल है, स्पॉट यूवी का यूज़ किया गया है। और अब ये जो हमारे जो इंडियन कल्चर है उसकी ये फोर मैंने सेलेक्ट की है। अब उसके अलावा जो आएंगे ये हमारे जो कंट्री से रिलेटेड है जो अभी लेटेस्ट और अच्छा है, ये 399 का है। इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी 399 था सप्रेशी, इसमें है 245 पेजेस, 250 करीब पेजेस है। मैपली तो हैं जैसा रामायण में थे या महादेव में थे, विद स्पेशल इफेक्ट्स हैं। और परमवीर चक्र जिनको मिल रखा है, उन हमारे जो वीर सपूत हैं उनकी स्टोरीज है इसमें। देखिए इतने सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टोरीज आप पर देख सकते हैं, राइटर आर्ट का भी देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, देखिए आप। ये सबसे मुझे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया लगी क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी है और मतलब हर तरीके से, हर लिहाज से परफेक्ट बुक। और इसका प्राइस और जो इसकी स्पोर्टिव वगैरह बहुत अच्छी है, मतलब बच्चों के लिए ये बेस्ट लगी मुझे बुक। इसके बाद में आती है वेलेंट वीमन, ये आई थिंक ग्लोसी में है, हाँ मैट फिनिश वाली ग्लोसी है। इसकी प्राइस है 299 और इसकी प्राइस थी 399, बट इसमें जो पेजेस हैं वो आई थिंक ग्लोसी में पेजेस कम देते हैं, इसमें पेज 108 यानी कि 110 मान सकते हैं। तो 110 पेजेस हैं, 250 पेज हैं, ये 300 रुपये की है, ये 400 की, लेकिन ये ज़बरदस्त है। खैर ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें पेजेस बहुत अच्छे दिए हैं। मेरे को लगा कि जिसमें कवर पे अच्छा काम करते हैं ना, जैसे स्पोर्ट रिव्यू काम यहाँ पे कर दिया या महादेव में जो शाइनी कवर दे दिया, तो वहाँ पे पेजेस फिर मैपली तो देते हैं, बट फिर भी कंटेंट बहुत एनरिच्ड है इसका। इसमें भी देखिए हमारे जो फेमस वुमेंस हमारे कंट्री की, उनके आप देख सकते हैं ये कंटेंट है इसका। थोड़ा सा ग्लोसी में ये होता है कि वो रिफ्लेक्शन आता है। देखिए दिलीप कदम जी का है आर्ट, देखिए आप नाम पढ़ सकते हैं किन किन का आर्ट वगैरह है, पर अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ये जो कंटेंट अमरचंद्र का देता है ना ये, और इसका जो साइज है देखिए, इसमें एक मार्क भी है, जो अमरचंद्र का साइज होता है, जो उसका कंटेंट होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। स्कूल चिल्ड्रन के लिए बेस्ट होती है अमरचंद्र कथा इंट्रोड्यूस करने के लिए। हम पर्सनली, मैं राज कॉमिक्स जो हिंदी कॉमिक्स का फैन हूँ, बट बच्चों के लिए अमरचंद्र कथा ज़्यादा बढ़िया मुझे उस हिसाब से लगती है। रीज़न ये होता है कि भाई इसमें जो है कंटेंट बहुत ज़बरदस्त सिलेक्ट करते हैं, टॉप जो टॉप लेवल के इसके वो ऑथर वगैरह होते हैं, और उसके अलावा जो है इंग्लिश और इसका जो बिग साइज़ वगैरह होता है, हर तरीके से बच्चों के लिए परफेक्ट होती हैं ये आप पढ़ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 180 रुपीज़ की है ये मैपली तो मैं, और इसमें पेजेस हैं 64 पेजेस के, 180 ये थोड़ा ज़्यादा लगा अगर हम इससे कंपेयर करें। ये तो सुपर डील है, ये ज़बरदस्त लगा इसका जो कंटेंट वगैरह, बट ये जो हमारे राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे, और इनकी लाइफ मतलब सीखने लायक है। इनका जो अंतिम समय था तब भी अपना काम करते हुए ऐसी दुनिया को विदा कर गए थे, ये शायद लेक्चर या कुछ ले रहे थे, ऐसा कुछ था। और अच्छा है आर्ट किन का है इसमें, आर्ट हमेशा देखना चाहूँगा, ठीक है रहा अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा आर्ट बनाया है, बहुत ही अच्छे नरेशन है इसका ये मैंने पढ़ी हुई है पहले, नरेशन बहुत अच्छा है, बढ़िया है अब्दुल कलाम जी की। तो ये मैंने चूज़ करी थी, तो इसमें से आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 ये तो हुई हमारे इंडिया का जो भी जो रिसेंट इंडिया है, और जो उसका बेस्ट मुझे लगी ये 3 बच्चों की बेस्ट लगी बुक। उसके अलावा ये 4 मैंने चूज़ की थी हमारे कल्चर और हिस्ट्री और जो स्टोरीज है वो उनके लिए बेस्ट चॉइस मुझे लगी ये चीज़ें। और अब इसके बाद आते हैं 2 इसमें कलेक्शन है, तो ये हो गए 4 और 3, 7 और 2 ये कलेक्शन हमारे 2 कलेक्शन में जो इसके देवी कलेक्शन एंड एपिक कलेक्शन। देवी कलेक्शन में कौन कौन सी है मैं वो दिखाता हूँ। इसमें जो जो हमारी जो देवीज हैं हमारे इंडियन, ये इनको चूज़ किया गया, देख सकते हो शक्ति, सरस्वती, वैष्णो देवी, गंगा और टेल्स ऑफ दुर्गा। और इसमें देखिए गंगा, ये जो ओल्ड आर्ट वगैरह है मैपली तो में है, सिंपल फ्लैट कलरिंग है, और ये इनके आर्टिस्ट हैं। आई थिंक 90 रुपये प्राइस है इनका, 32 पेज की है नॉर्मल। टेल्स ऑफ दुर्गा, इनके कवर काफ़ी आकर्षक आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, कवर को देख के पैसा वसूल हो जाता है। तो माता दुर्गा की कहानियाँ, सरस्वती इसमें थोड़ी मॉडर्न आर्ट है, आई थिंक ये न्यू कॉमिक्स है, ये अच्छे थोड़ा सा आपको, बट इसमें ग्लोसी नहीं मिलता आपको, आर्ट न्यू मिलती है, बहुत अच्छी आर्ट है, बहुत खूबसूरत आर्ट है सरस्वती में, बहुत अच्छी। वैष्णो देवी ये भी एक न्यू स्टोरी मुझे पता है, और इसमें भी बहुत अच्छी आर्ट है, देखिए
बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है थोड़े विद इफेक्ट्स कर रहे। और एक सबसे बढ़िया मुझे लगी शक्ति, और इसमें जो है ना 180 का प्राइस रखा है, यानी कि डबल 90 वाले से। 90 में 32 पेज होते हैं, इसमें कितने पेज होंगे, 70 के करीब पेज है, तो ज़्यादा पेज है। 32 के 64 होते हैं, मतलब डबल पेज है। और कवर वगैरह में बढ़िया मैट फिनिश है, अच्छा काम किया हुआ कवर वगैरह में। और इसके अंदर जो है आपको ये बहुत ही अच्छी ग्लोसी पेपर मिलता है, मतलब वो मैट फिनिश वाले बढ़िया हुआ क्वालिटी वाले पेपर। ये मुझे सबसे बढ़िया प्रोडक्ट लगा इनका। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, इसमें भी इतनी स्टोरीज हैं, इन सब के आर्टिस्ट भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आर्ट वगैरह आप देख पाएंगे, बहुत ही खूबसूरत आर्ट बना है इनका। तो ये देवी कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये है एक, तो अगर ग्लोसी में या मैट फिनिश की बात करूँ तो एक शक्ति में हमें मिल जाता है, वेलेंट वीमन में हमको मिल जाता है, और इसके अलावा रामाज रिंग में सप्तर्षि मिल जाता है, अच्छा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट मेरा एपिक कलेक्शन, ये जो 9 टाइटल्स है, स्पेशल इश्यूज है सारे सारे, कुछ भी सिंगल नहीं है। सिंगल इश्यूज है तो वो कलेक्शन का पार्ट है। तो देवी कलेक्शन में हमको 4 सिंगल इशू मिले, नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल इशूज। और ये एपिक कलेक्शन में ये इतने, ये देखिए, अच्छा ये इसका MRP 850 है, देवी कलेक्शन MRP ठीक है 525 रुपये, बहुत फेयर प्राइसिंग है इसकी। और ये एपिक कलेक्शन है, हार्ड बाउंड इसका करता था, देवी वाला थोड़ा सॉफ्ट बाउंड है इस तरीके से, स्लिप केस टाइप का। और इसमें जो बुक्स आती हैं, ये एपिक कलेक्शन में ये है, कुछ पुरानी जातक कथाएं वगैरह इस तरीके की हैं। ओहो, प्रताप मुली जी का आर्ट, द गोल्डन मंगूस, प्रताप मुली जी का क्लासिक आर्ट। उसके अलावा ये कृष्णा एंड रुक्मणी, ये भी प्रताप मुली जी का आर्ट लग रहा है मुझे तो, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओहो, इसमें रीडिफाइन किया गया है, डिजिटल कलर इफेक्ट डाले दिए हैं, पहले ये फ्लैट कलरिंग में देखी हुई बुक मैंने, ये कौन सी पूरा उल्टा रख दिया क्या मैंने इसको। ये है द चर्निंग ऑफ ओशियन, अच्छा ये पुरानी वैसे कुछ सिलेक्टेड करी है एपिक्स हमारे जो दिलीप कदम जी का, सारी सारी क्लासिक है, द्रौपदी, प्रताप मलिक जी और कदम साहब का स्टूडियो का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बुक्स हैं। घटोत्कच, ये अलग है कोई इलस्ट्रेटर, और इसी का आर्ट इसके कवर पर लिया गया है, घटोत्कच, द्रोणा, अच्छी सिलेक्ट की है, 10 है शायद, आई थिंक 10 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 बुक्स सेलेक्ट किए गई हैं। देवी में शायद 5 बुक थी, हरिश्चंद्र अगेन, प्रताप मुली जी, यार इन्होंने जो सिलेक्ट किया ना उनमें आर्टिस्ट प्रताप मुली जी के हैं, तो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। राम वाईकर जी लग रहे हैं, टेल्स ऑफ बलनामा, करणा, ये भी राम वाईकर जी है क्या, कौन है राम वाईकर जी का। और अच्छा एक और बचती है, ये कौन सी है, अंधक, ठीक है रामबाईकर जी का आर्ट है 3-4 में, कुछ में प्रताप मुली जी का आर्ट है, कुछ में कदम साहब का आर्ट है, एक अच्छा कलेक्शन है ये। तो 10 बुक्स हैं एपिक कलेक्शन की, उसके अलावा 5 बुक्स है देवी का जो कलेक्शन है, इनमें से एक स्पेशल बुक भी है शक्ति, 5 बुक्स हैं ठीक है। और उसके अलावा फिर आती हैं ये स्पेशल इश्यूज़, जैसे कि वेलेंट विमन, परमवीर चक्र, APJ अब्दुल कलाम, महादेव, सप्तर्षि, रामाज रिंग और दशावतार। इन सब में सबसे मेरी फेवरेट फिर भी दशावतार रहेगी, क्योंकि स्पेशल इशू है, प्रताप मुली जी का काम है, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको मेरा ये चॉइस कैसी लगी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, और ये लाइब्रेरी में जाएंगी बुक सारी। धन्यवाद।